से 22 मार्च तक झज्जर के 123 लोगों की लोकेशन निजामुद्दीन की मिली। पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस ब्यूरो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के इनपुट पर तैयार हुई लिस्ट। लिस्ट के आधार पर लोगों की जांच शुरू। देर रात तक मेडिकल और पुलिस टीम ने घर घर जाकर की जांच। अभी तक किसी में नहीं मिले कोरोना के लक्षण। लिस्ट 123 लोगों में करीब 80 लोग बहादुरगढ़ के निजामुद्दीन एरिया में लोकेशन के आधार पर तैयार हुई लिस्ट। जहां देश भर में तबलीगी जमात के कारण कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, निजामुद्दीन के मरकज की तबलीगी जमात में शामिल लोगों के बाद अब उन लोगों को भी सर्विलांस पर लिया जा रहा है जो निजामुद्दीन इलाके में सक्रिय मिले हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर अब लोगों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। झज्जर जिले के 123 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार हुई है जिनकी लोकेशन 14 मार्च 22 मार्च के बीच निजामुद्दीन इलाके में मिली है। पुलिस अधीक्षक ने 6 अप्रैल को जिला उपायुक्त को ये लिस्ट सौंपी, जिसके बाद पुलिस के साथ मेडिकल टीम ने इन लोगों को ट्रेस कर शुरू कर दिया है। निजामुद्दीन इलाके की लोकेशन वाले तमाम लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है, उनके सैंपल लेकर कोरोना की जांच भी करवाई जा रही है। देर रात वार्ड 18 से भी एक ऐसे ही व्यक्ति की मेडिकल जांच की गई। वार्ड पार्षद युवराज छिल्लर ने बताया कि लिस्ट में शामिल लोगों की जांच जरूरी है और इसमें वो प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। निजामुद्दीन इलाके में जिन 123 लोगों की लोकेशन बताई गई है उस लिस्ट में करीब 80 लोग बहादुरगढ़ के, 24 झज्जर, 11 बेरी और 8 बादली हलके के बताए गए हैं। फिलहाल इस लिस्ट में शामिल किसी भी व्यक्ति में कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएन हरियाणा। प्रशासन से हमारे को लिस्ट मिली थी, उसमें लिस्ट में मैंने चेक किया, मेरे वार्ड का भी एक आदमी का नाम था, मैंने उसके मोबाइल पर फ़ोन किया। मौके पर हमने प्रशासन को सूचना देकर तुरंत वो आदमी हमारे वार्ड से सैंपल जाँच के लिए यहाँ ट्रामा सेंटर लाया गया। कितने आदमियों की थे? 123 आदमियों की। क्या एहतियात कर रहे हैं आप लोग वार्ड में लोगों के, गरीब लोगों के लिए? वार्ड में जो जरूरतमंद आदमियों को हमने चावल, गेहूँ हमने वार्ड में, कोई भी वार्ड में भूखा नहीं। ये हमारा को प्रशासन के साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और भी वार्ड में काफ़ी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। लॉकडाउन की पालना करा रहे वार्ड में? हाँ, वार्ड में लॉकडाउन की पालना करा रहे हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं उसको 3-3, 4-4 फुट के गैप पर खड़ा करके जो भी नियम अनुसार कार्य करते हैं।